Hi guys, welcome to a very special vlog. आज मैंने आप लोगों का डाइपर मेकिंग चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। डांट मत जी रो, तो तू ऐसे क्यों खेलते हो उसके साथ जंगली जैसे। आज हम तीनों, मैं, तुषार और आदित्य, एक बहुत ही खास सफर में निकल रहे हैं। मैं अपने बेबी के लिए बेस्ट डाइपर बनाने वाली हूँ। आप लोग से चैलेंज तो एक्सेप्ट कर ही लिया है और साथ में मैं देख के ही मानूंगी कि कौन सा बेस्ट डाइपर है। अपने बेबी के लिए बेस्ट डाइपर बनाऊंगी, ये तुम्हारी लिटिल ग्लव ने ठान लिया है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, मेरे बेबी के लिए बेस्ट डाइपर होना ही चाहिए क्योंकि ये बड़ा बच्चा बहुत बदमाश होने जा रहा है। आदिया, मेरा एक छोटा सा बेबी है और माँ होने के रूप में ना मुझे उसके लिए बहुत टेंशन होती है और ये डायपर का चैलेंज मुझे भी सहना पड़ता है या देखना पड़ता है। तो आज हम इस ब्लॉग में खास करके देखेंगे कि एक डायपर में ऐसी क्या चीज है जो उसको इतना स्पेशल बनाती है। यार फ्लाइट के लिए लेट हो गए, बता रहा हूँ कितना देर की फ्लाइट है, हमें निकल जाना चाहिए था अभी तक। भाई चलो, तुम पक्का लेट कराओगी यार। ये कोई मेरी छुरी हो जाती है, यहाँ पे अभी आद्या को काफी नींद सी आ रही है, वो बहुत जल्दी गाड़ी में सो जाएगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि इनकरेक्ट डायपर से सोने के समय बच्चे की नींद टूट सकती है रैशेज एंड गीलापन से। और मैं देखना चाहती हूँ कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। हाय गाइस, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, चैलेंज लिया था कि आद्या का डायपर मैं अपने हाथ से बनाऊंगी, तो मैं पहुंच गई हूँ पैंपर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। आओ आजा भाई आजाओ। ये मोमेंट मेरे लिए एकदम खाब जैसा है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है एक खास सफर और मैं आपको बताऊंगी कि इन डायपर्स के पीछे का सीक्रेट क्या है। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ पैंपर्स देख के। बचपन से आद्या को मैंने यही डायपर पहनाया और आज मैं फैक्ट्री के अंदर जाने वाली हूँ। मेरे साथ बहुत सारे और पेरेंट्स भी आए हैं जो आज देख के ही मानेंगे और आपको दिखा के ही मानेंगे कि अपने बच्चे के लिए कौन सा डायपर यूज करो। मैं फाइनली चैलेंज करने जा रही हूँ, अंबिका भी आई है। यहाँ के लिए रिंग एंड वॉच भी नहीं पहनना भाई, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड आई एम ग्लैड कि मेरे बेबी का डाइवर जहाँ बन रहा है वहाँ ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन है। और ये भी खुला होगा क्या धागा, ये नहीं काटूंगी, ये तो मेरा बिलीफ है। वेलकम टू इंडियाज बिगेस्ट डायपर फैक्ट्री, जहाँ आपके बेबीज की सेफ्टी है हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। Pampers all-round protection diapers absorb more and faster than ordinary diapers, keeping the gilapan and rashes away. Pampers all-round protection diapers has aloe lotion which forms a layer between susu and your baby's skin to prevent rashes. क्या आपको पता है कि Pampers all-round protection में special cuffs और seams होते हैं जो leakage नहीं होने देता। फैक्ट्री में मॉम्स की टीम आई हुई थी देखने के लिए कि कैसे डायपर्स बनते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक फैक्ट्री विदाउट ह्यूमन टच पूरा डायपर बना सकती है। फैक्ट्री विजिट में मुझे समझ में आया कि हमारे डायपर्स को मल्टीपल टाइम चेक किया जाता है और अगर उसमें 1% भी डिफेक्ट हो तो उसी समय रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फुल कॉन्फिडेंस में बोल सकती हूँ कि जो भी डायपर आ रहा है वो बेबी सेफ है। तो भाई ईस्ट और वेस्ट पैंपर इज द बेस्ट। सो आद्या के लिए मिला है प्लांट से डायपर और मैं इसको ले जाने वाली हूँ घर। देखते उसको पसंद आता है नहीं आता, वो कैसे रिएक्ट करती है। मुझे तो बहुत पसंद आया, आई हैव एंजॉयड दिस प्रोसेस एंड मेरे को विश्वास हो गया, देख के विश्वास हुआ है कि आई हैव सिलेक्टेड द बेस्ट ब्रांड फॉर माय बेबी। एक बार बेबी का भी तो फीलर ले लेते ना, उसको पहन के कैसा लगेगा। और मेरा डायपर चैलेंज सही हुआ है कि गलत, ये उसके फीडबैक से पता चलेगा और आपके कमेंट से। यार मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैंने डायपर चैलेंज कैसा किया, क्या आपको मजा आया इस चैलेंज में। बाकी चलते हैं आद्या का रिएक्शन देखने। अभी आद्या ने अपने ड्रेस पे पूरा जूस वूस गिरा दिया, हमने ड्रेस चेंज किया, अब उसका ये दुदू हम स्पेशली मॉम की ऑफिस से लेके आए और अब हम सुमित के लिए निकल गए हैं। थैंक यू सो मच मोमो, काफी बात कर दिया इसने। अरे ये तो लाओ। सो मैं फैक्ट्री से लिटरली आद्या के लिए ये दिलचस्प जर्नी करने के बाद फैक्ट्री आउटलेट से अपने हाथों से बना के डायपर लेके आई हूँ और फैक्ट्री विजिट करके श्योर हो गई हूँ कि हर एक डायपर मल्टीपल चेक पॉइंट से गुजरता है और फैक्ट्री में लीस्ट ह्यूमन इंट्रैक्शन के साथ जो डायपर पैक हो रहा है वो मेरे बेबी के लिए बेस्ट चॉइस है। इस डायपर में आप लोगों को पता है कि मैंने सारे राज खोल दिए हैं। आज बेबी ये लो आपके लिए डायपर का इतना बड़ा बैग जो मम्मा बना के लाया आपके लिए। और जैसे मैं आपको बताया था कि इस डायपर को
सीधा मैं ही खोलूंगी, इसके बीच में किसी का भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता है, तो एक माँ इस केस में एक बाप ही सबसे पहले आद्या का डायपर निकाल रहा है। हम ऐसे ही दिलचस्प जर्नी पे जाते रहेंगे, ऐसे ही चैलेंजेस करते रहेंगे, अगर आपका साथ मिले तो। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दो, लाइक करो, नीचे कमेंट में बताओ अगर आपको डायपर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मैं आपके डायपर डाउट को रिप्लाई करूंगी, क्योंकि मैं सब देख के आई हूँ, मैं देख के मान चुकी हूँ। बाकी बाय बाय गाइस, आपकी डायपर एक्सपर्ट आदि, तेरे को डायपर कैसा लगा? अच्छा, अब यार बच्चों ने भी अच्छा बोल दिया भाई हमारे तो, ये बच्चा लाइट बंद कर रहा है। चू कर दो लाइट बंद कर दो, चलो सो जाएंगे अब।